किसान चाहते हैं कि ऐसा बांध न बनाएं जिससे जनमानस को ज्यादा नुकसान होता हो। बांध के साथ साथ हम तीन विषयों पर मुद्दों पर आपसे मैं बात करूंगा। पहला तो बांध जो नर्मदा नदी पर अपर बांध परियोजना जो है बनाई जा रही है सरकार की ओर से, वर्तमान में धारा 11 के तहत किसानों को नोटिस दिया जा रहा है और जैसे उनके हाथ में नोटिस आए तो सारे किसान परेशान हो गए। लोग चूँकि आदिवासी समाज कृषि पर आधारित है, उनके जल जंगल जमीन उनका आश्रय है, यदि उनसे छीन लिया जाएगा तो वो बेघर भी हो जाएंगे, भूमिहीन भी हो जाएंगे। अभी धारा 11 में ये कहा जा रहा है कि कलेक्टर जो राजा है उन्होंने सूचना जारी किया है कि आपका इतने हेक्टेयर भूमि अपर नर्मदा बांध बनाए जाने के लिए लिया जाएगा, ये उन्होंने नोटिस जारी किया। जबकि ये जब से ये शुरू हुआ आज से नहीं 10 साल से चल रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं गांव वाले, बीच में शांत भी हो गया लेकिन अभी जो है बड़े तेज़ी से ये काम पुनः कागजी कार्यवाही शुरू है। किसान चाहते हैं कि ऐसा बांध न बनाएं जिससे जनमानस को ज़्यादा नुकसान होता हो। ये पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दमेहड़ी क्षेत्र में बनाई जा रही है, उधर शोभापुर नाम अपर नर्मदा परियोजना के नाम से स्वीकृत है, जो डिंडौरी और अनूपपुर जिले का पुष्पराजगढ़ को मिला के नर्मदा जी को बांधा जाएगा ये, और बड़े लंबे करीब 13,000 करोड़ रुपए का इसका लागत है। तो जो माफिया हैं वो भी बड़े तगड़े से लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार में हमने लगाया है, वो कापियाँ भी हमने दिखाई हैं। अभी जो एनडी गुप्ता है वह उप संचालक है और परियोजना संचालक आत्मा है, उन्होंने पिछले 2018 से खनिज प्रतिष्ठान मत से उन्होंने राशि लिया का जिले से, और जो आदिवासी जनजाति लोग हैं चाहे वो बैगा हो सहरिया हो भरिया हो, इनको इस देश के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सरकार चिंतित भी है और राशियां भी दी जाती हैं, लेकिन जो क्रियान्वयन जो विभाग है किस तरीके से बंदरवाट किया जा रहा है वो आज जांच के उसमें जो है सामने आया है। एनडी गुप्ता लगभग 2 करोड़ आप 30 लाख रुपए लगभग का इन्होंने कलेक्टर और जांच अधिकारी प्रमाणित कर दिए, जांच प्रतिवेदन में उन्होंने सचिव संचालय अपना भोपाल को उन्होंने पत्र भी लिखा, आर्थिक अपराध विभाग को भी लिखा है कि इनके पर जो है इनको निलंबन और इनके ऊपर कार्यवाही तो करें ही तत्काल, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उन्होंने अनुशंसा किया है, उसको आर्थिक अपराध पर पंजीबद्ध किया जाए ये भी लिखा गया है। हम चाहते हैं कृषि पर देखिए बांध पर तो बांध निरस्त किया जाए, हमारा ये है। दूसरा जो उपसंचालक एनडी गुप्ता है उस पर कार्रवाई किया जाए, जैसा कलेक्टर अनूपपुर ने अनुशंसा किया है उसके आधार पर उस पर कार्रवाई हो और जो राशि गमन किए हैं वो राशि वापस ली जाए और जिस उद्देश्य से राशि स्वीकृत की गई थी उन किसानों को पुनः उसका जो है लाभ दिया जाए वापस करा के। मांगे नहीं, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए। हम लोग तो सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे, चूंकि मैं विधायक भी हूँ, आने वाले समय में भी हम लड़ेंगे। यदि बांध में बांध के लिए किसान बिल्कुल सहमत नहीं है और इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही थी, इसीलिए कलेक्टर ने लिखा है, वो हम लोगों ने ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम से, महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से, राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश, आप जनजातीय समुदाय आदिवासी समुदाय का आप संरक्षक हैं, आप हमारी रक्षा करिए, इस उद्देश्य से हमने कलेक्टर जिला अनूपपुर के माध्यम से हम ज्ञापन सौंपे हैं और कलेक्टर ने उसको जो है ऊपर मुलतब भेजा भी, सूचना भेजा है। आप अड़े रहेंगे कि बांध नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल अड़े रहेंगे, हमारे किसान अभी हम लोगों ने पत्र लिखे हैं, कलेक्टर ने लिखा है और उस पत्र की हम प्रतीक्षा करेंगे।